तो आखिरकार सिद्धार्थ पिटानी एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हत्थे किस तरीके से चढ़ा? दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि सोशल मीडिया जहां पर वरदान है वहां पर अभिशाप भी है, और इस वक्त सिद्धार्थ पिटानी के लिए ये एक अभिशाप भी बन गए। मैं राहुल बोध स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फेसबुक ट्विटर इंस्टा पे मौजूद हूं तो आप लोग मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों सिद्धार्थ पिटानी और सिद्धार्थ पिटानी की इस गिरफ्तारी को लेकर जो कि अभी हुई है रिसेंटली एनसीबी के द्वारा। दोस्तों समीर वानखेड़े जी जो हैं उन्होंने कुछ चीजें बताई हैं और ये बता के लिटरली उन्होंने अच्छी बात कही है। सबसे पहले और मेजर इंपॉर्टेंट बात, हैदराबाद में वो पकड़े जाते हैं सिद्धार्थ पिटानी। एंड सिद्धार्थ पिटानी को उससे पहले जो है काफी बार समन भेजा गया था कि भैया आओ, हमें एनसीबी है, हम आओ, हमारे पास बात करो, हमारे पास पक्ष रखो। सुशांत सिंह राजपूत केस, सुशांत दादा का केस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बन रहा था दोस्तों, और ऐसे में बार बार एनसीबी बुला रही थी, लेकिन सिद्धार्थ पिटानी ही बार बार इस चीज को इग्नोर कर रहे थे। मुंबई छोड़ के वैसे भी वो बाहर निकल गए दोस्तों। ऐसे में आप लोगों को बताना चाहता हूं तो सिद्धार्थ पिटानी ने अपने पास्ट का इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो डिलीट कर दिया था। सुशांत सिंह राजपूत के इस दुनिया को छोड़े जाने के बाद ही उन्होंने अकाउंट को डिलीट कर दिया दोस्तों, और उसके बाद वो भी गायब हो गए एकदम उड़ती चिड़िया, कभी इस डाल पे तो कभी उस डाल पे। समझ में नहीं आ रहा था एनसीबी को, करे तो करे क्या। अब दोस्तों उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सिद्धार्थ पिटानी जो है वो अच्छे खासे मस्त अपना नया अकाउंट बनाते हैं पिटानी सिद्धार्थ करके, और यहां पर सिद्धार्थ पिटानी जो है वो एक जिम ज्वाइन करते हैं। उस जिम में जहां पर जो है दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि वो फोटो डालते हैं, फिर उसके बाद वो अपनी इंगेजमेंट की भी फोटो डालते हैं एएस राव नगर की, जहां पर वो लिखते हैं कि जर्नी इनटू अ न्यू चैप्टर तेलुगु ब्राइड, और इस तरीके से वो तेलुगु ब्राइड से शादी कर रहे हैं ये बात वो कहते हैं। अब जैसे ही एनसीबी की, देखो एनसीबी की नजर तो थी कि सिद्धार्थ पिटानी को हम कैसे ट्रेस करें, कहां से माए, सोशल मीडिया पे इन लोगों की अच्छी खासी पकड़ रहती है। अगर किसी ने अपराध किया है या कोई उसके सर्कल में भी है तो उनको है ना सोशल मीडिया के थ्रू जो है रखा जाता है नजर पे। तो ऐसे में सिद्धार्थ पिटानी को तुरंत समझ लिया गया, जिम गए, जिम नहीं पता चला तो अच्छा जिम से पता चला यहां पे ये वो करके इस तरीके से सिद्धार्थ पिटानी को दर्द पहुंचा। आपका क्या रिएक्शन है कमेंट करके जरूर बताएं, और बने रहें चैनल के साथ, देखते रहिए फीफा फूस। इजाजत दे मुझे।